नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के हमारे जो अगला पार्ट है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और 51वां क्वेश्चन से आज हम लोग आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, इसके पहले पार्ट को आप लोग नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा और उसके बाद फिर आगे यहाँ पर कंटिन्यू करना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा, ये पूछा जा रहा है। वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है। वाणिज्यिक मतलब कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था पहला, इस प्रकार से ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में क्या क्या है, एनीएक है, यूनिवेक है, एडसेक है और एडवेक है। इसका सही आंसर क्या है, यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक को सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस पर्पज़ के लिए उपयोग किया गया था। इसके अलावा जब एनीएक हम लोग देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, एनीएक को बहुत सारी जगह में आपको एनीएक को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिर्फ ऐसे दिया रहता है और बहुत सारे बुक में आपको प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एनीएक को लेकर के एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर पहला कंप्यूटर की अगर बात होती है तो वहाँ पर एनीएक को ही आपको एनीएक को क्या करना है, सही लेकर के चलना है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करेगा तो, और यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए प्रयोग किया गया था, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में आपको यूनिवेक लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यूनिवेक सही है। ठीक है, यूनिवेक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, असेंबली भाषा में प्रयोग किए गए कोड को क्या कहा जाता है। असेंबली भाषा में प्रयोग किए गए कोड को क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं कि ऑस्की कहते हैं कि निमोनिस्ट कोड कहते हैं या फिर ग्रे कोड कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है, निमोनिक्स कोड इसको कहा जाता है। ठीक है, असेंबली भाषा में देखो यहाँ पर ये असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा में जो कोड का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग निमोनिक्स कोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निमोनिक कोड का प्रयोग करते हैं, निमोनिक टेक्निक का यूज़ करके इसका क्या करते हैं, कोडिंग किया जाता है इसका असेंबली भाषा में। ये बाइनरी कोड है। ठीक है, द्विआधारी अंक जिसको हम लोग कहते हैं ना, 0101 के फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग मशीन भाषा भी कहते हैं। तो मशीन भाषा या फिर बाइनरी कोड जिसको मशीन बहुत आसानी से समझ सकता है, जितने भी जो कंप्यूटर होते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए इसको मशीन भाषा भी कहते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, इस टाइप से हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारे लिए आसान होता है, जैसे कि जावा, C++, इस टाइप से पाइथन है ना, ये मेरे पीछे हाथ तक ये छुप गया होगा। तो ये C++, जावा, पाइथन, ये जो भी होते हैं ना, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इस टाइप से होता है। चलिए, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, निमोनिक्स कोड होता है। ठीक है, चलिए 53 देखिए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में भंडारण के लिए उपयोग होता था, मतलब कि स्टोरेज के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते थे अगर पूछा जाएगा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, तो हमको यहाँ पर क्या लेना है, पंच कार्ड लेना है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए यहाँ पर पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ये पंच कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप से यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर होल किया गया है ना, वो पंचिंग मतलब पंच किया गया है, तो इस टाइप से होता था पंच कार्ड। इस पंच कार्ड का प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग होता था और दूसरा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड, ये दो चीज़ मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। 54 देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, प्रथम पीढ़ी में तो पंच कार्ड हो गया, द्वितीय पीढ़ी में क्या रहेगा, द्वितीय पीढ़ी में क्या रहेगा, ये देखिए, इसको आप लोग देखे होंगे, इसको आप लोग कैसेट के नाम से जानते हैं, बचपन में हम लोग कैसेट बोलते थे ना, तो ये मैग्नेटिक टेप होता है। ठीक है, क्या है ये, मैग्नेटिक टेप, इसका प्रयोग किया जाता था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग देख लिए हैं, ये द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग यहाँ पर देख लिए, और रैम रोम हम लोग फिर तृतीय पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी में देखते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास किस पीढ़ी में हुआ था, देखो अभी जस्ट ये आ गया, अभी मैंने बोला ना कि रैम और रोम अभी हम लोग देखते हैं, इस टाइप से रैम आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर में, वहाँ पर लगा होता है ना, यहाँ पर ये आईसी सर्किट से बना होता है ना, ये आईसी सर्किट है, ये आईसी सर्किट इस बीच बीच में यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो आईसी सर्किट के विकास होने के बाद ही क्या हुआ है, यहाँ पर रैम और रोम इन सब का विकास हो पाया है। ठीक है, इस टाइप से जो चिप है ना उन सबका विकास हो पाया है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मे को काट दीजिएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है पूछा जाएगा, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास। 56 देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग करता था तीसरी पीढ़ी में, तो इसका सही आंसर देखिए, बैच प्रोसेसिंग दिया है, मल्टीटास्किंग दिया है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, नेटवर्क ओएस दिया है। इसका सही आंसर क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, या फिर उसी को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता था। 57 देखिए, पास्कलाइन गणना यंत्र के आविष्कारक कौन है, ये पूछा जा रहा है। इसका सबसे आसान ये क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, ये क्या चीज़ है, ब्लेज पास्कल है।
पास्कलाइन गणना यंत्र का आविष्कार किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने किया था। ये सबसे पहला कैलकुलेटर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, द फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन किसको कहते थे? पास्कलाइन गणना यंत्र, ठीक है, ये पास्कलाइन गणना यंत्र है, ये सबसे पहला कैलकुलेटर ये कहलाता है, ठीक है, या फिर पहला एडिंग मशीन कहलाता है। पहला कैलकुलेटर बोले या फिर एडिंग मशीन बोले क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे? पास्कलाइन गणना यंत्र को। 58 देखिए, किस गणना यंत्र में पहली बार प्रोग्रामिंग किया गया था? सबसे पहले मतलब पहली बार प्रोग्रामिंग हम लोग जानते हैं ये हम लोगों ने चार्ल्स बेबेज के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, चार्ल्स बेबेज जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, तो एनालिटिकल इंजन में ही प्रोग्रामिंग वहाँ पर पहली बार किया गया था। प्रोग्रामिंग करने वाली कौन थी? लेडी एडा अगस्टा, ठीक है, नाम याद रखेगा, लेडी एडा अगस्टा, इन्होंने क्या किया था? पहली बार प्रोग्रामिंग किया था, तो ये एनालिटिकल इंजन में ये किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है किस गणना यंत्र में पहली बार प्रोग्रामिंग किया गया था, तो एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्रामिंग किया गया था। अब प्रथम प्रोग्रामर कौन है बोला जाएगा, तो लेडी एडा अगस्टा को याद रखना है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है पूछा जा रहा है। देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, तो इसको आपको एनी एक को ही लेकर के चलना है, एक दो बुक में आपको और अदर भी देखने को मिल जाएगा, तो उसको लेकर के फिलहाल ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में जिस टाइप से आंसर लिया गया है उसी के आधार पर हमको यहाँ पर आंसर लेना होगा, ठीक है। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है पूछा जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको एनी एक पे जाना है, ठीक है, एनी एक, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में हम देखते हैं। 60वां देखिए, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली भाषा असेंबली भाषा है। जानते हैं ना प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में बाइनरी कोड का प्रयोग होता था, जो जहाँ पे पंच कार्ड प्रयोग करते थे ना, 0101 के फॉर्म में, वहाँ पर वहाँ हम लोग उसको देखते हैं, तो पंच कार्ड स्टोरेज के रूप में होता था पहली पीढ़ी कंप्यूटर में। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग क्या जानते हैं कि जो बाइनरी भाषा है 0101 उसका प्रयोग होता था। अब यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में क्या? असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। 61 देखिए, किस भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ है? ठीक है, किस भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? कोबोल और फोर्टान, ठीक है, ये दो भाषा है जिसका हम लोग जब भाषा का जनरेशन देखते हैं ना, कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन सा भाषा सेट है जब देखते हैं, तो वहाँ पर आपको याद रखना कोबोल और फोर्टान, ये दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम में, डायरेक्ट वो क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। 62 देखिए, निम्न में से कौन सा टेम्प्रेरी आउटपुट है? ठीक है, टेम्प्रेरी आउटपुट कौन सा है? हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है कि डुप्लीकेट कॉपी है कि पेपर कॉपी है, कौन सा है? तो ये सॉफ्ट कॉपी है, जो अपन पीडीएफ फॉर्म में जो रहता है ना उसको हम सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं, तो ये टेम्प्रेरी आउटपुट होता है, वो उसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी डिलीट हो जाएगा, फ़ोन से डिलीट हो गया मतलब डिलीट हो गया, लेकिन उसी को अगर आप प्रिंट करा कर निकाल लेकर ले आ जाएंगे, मतलब प्रिंट करा लेंगे उसको, फोटो कॉपी वगैरह से जो होता है ना प्रिंट करा करके आप उसको ले आएंगे, तो वो हार्ड कॉपी कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी कहलाएगा, और वो परमानेंट आउटपुट रहेगा। हार्ड कॉपी क्या रहेगा? परमानेंट आउटपुट रहेगा। सॉफ्ट कॉपी क्या चीज होता है? टेम्प्रेरी आउटपुट होता है, ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? बी है। 63 देखिए, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पूछा जा रहा है। वेबकैम दिया है, माउस दिया है, स्पीकर दिया है, प्रिंटर दिया है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, माउस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यहाँ पर मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको डिजिटाइजर कहते हैं, आगे इसके बारे में एक क्वेश्चन आएगा, है ना, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। पेन टैबलेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका एक क्वेश्चन बीच में हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो माउस होता है वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल होता है वो भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, तो बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। लाइट पेन होता है वो भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो आगे उन सब चीज़ को और देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर क्या है? माउस है। 64 देखिए, लाइट पेन, अभी जस्ट मैं बोला हूँ यहाँ पर ये लाइट पेन का यूज़ करके यहाँ पर मॉनिटर में लिखा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जा रहा है? लिखा जा रहा है। तो लाइट पेन क्या है पूछा जा रहा है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इसको हम देखो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस ही है ना, इसका सही आंसर क्या है? पहला वाला ही है। और क्या कह दिया है? इलेक्ट्रॉनिक इनपुट दिया है, मैकेनिकल इनपुट दिया है, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, आउटपुट तो होगा नहीं, इनपुट डिवाइस ही है, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन। लाइट पेन को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाएगा, वो पॉइंट करने का वहाँ पर काम आ रहा है ना, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस भी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है, प्रिंटिंग डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, कि स्टोरेज है? ये क्या चीज़ है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ट्रैक बॉल क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है, ट्रैक बॉल क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। 66 देखिए, 66 क्या बोल रहे हैं? किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान, ठीक है, किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है, ये पूछा जा रहा है। और स्याही से लथपथ रिबन कपड़े का प्रयोग करता है,
किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन का प्रयोग करता है, तो ये इसका सही आंसर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें एक रिबन होता है, एक फीता होता है, फीता क्या होता है, स्याही से लथपथ होता है, गीली स्याही से क्या होता है, लथपथ होता है, काला रंग रहेगा फिर नीला रंग रहेगा, जिस रंग का हमको आउटपुट प्राप्त करना है उस रंग से क्या रहेगा, वो रंगा रहेगा, कौन, वो फीता, और उसी फीते का जो रंग होता है वो फिर पेज में जो अपन प्रिंट करते हैं वो इस प्रकार से अपना छाप वहाँ पर छोड़ता जाता है। तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ठीक है। दो प्रकार का प्रिंटर हम लोग देखते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखते हैं, एक डेजी व्हील प्रिंटर देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील ये दोनों के दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, आगे अभी आएगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, दोनों के दोनों। 67 देखिए, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर जब भी दिमाग में आएगा ना, आप लोग सीधा दिमाग को कहाँ ले जाना, जहाँ पर अपन फोटो खिंचवाने जाते हैं ना, अपना पासवर्ड साइट का फोटो अपन खिंचवाते हैं, कलर फोटो जो निकलता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, तो वो जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसी के माध्यम से वहाँ पर उसको निकाला जाता है, ठीक है। छोटा सा होता है, ऑफिस यूज़ के लिए खास करके उसको ज़्यादा उपयोग करते हैं, ऑफिस यूज़, और वहाँ पर जो फोटो वगैरह जब अपन खिंचवाते हैं वहाँ पर जो अपने को देखने को मिलता है वो भी इंकजेट प्रिंटर ही होता है ना। इसका जो प्रिंट करने के बाद इसका जो जो इमेज होता है वो जो प्रिंट हमको मिलता है जो हार्ड कॉपी, वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इंक इसके क्या बोल रहे हैं, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, या फिर कैरेक्टर के स्प्रे प्रिंटिंग से, ठीक है, कैरेक्टर के स्प्रे प्रिंटिंग से, यही ऑप्शन क्या है, सही है। इंकजेट प्रिंटर नाम से पता चल रहा है इसमें इंक होगा और वो जेट के रूप में बाहर निकलेगा, इस टाइप से यहाँ पर क्या होते हैं, इंक होता है, इसमें इंक भरा होता है, ऐसे इंक रहेगा इसमें और जेट के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा ऐसे और प्रिंट छोड़ते जाएगा, किसमें, पेज में प्रिंट करता जाएगा वो। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग के माध्यम से क्या करता है, इमेज को प्रिंट करता है, ठीक है। 68 देखिए, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, या फिर तस्वीर ग्राही कहा जाता है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर या फिर तस्वीर ग्राही कहते हैं, किसमें होता है, बेलनाकार ड्रम होता है बोल रहे हैं और फोटो रिसेप्टर होता है, तस्वीर ग्राही कहा जाता है, किसमें होता है ये, इंकजेट नहीं है, ठीक है, इंकजेट नहीं है, स्कैनर वगैरह सब तो नहीं है, इसका सही आंसर क्या है, लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, एक तस्वीर ग्राही होता है या फिर इसको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है और उसके माध्यम से क्या होता है वहाँ पर प्रिंट किया जाता है ना, लेजर। देखो यहाँ पर एक बेलनाकार ड्रम होता है, इस टाइप से एक बेलनाकार ड्रम रहेगा, उसमें इसका आप लोग एनिमेशन वाला एक वीडियो यूट्यूब में उपलब्ध है, ठीक है, उसको आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, लेजर के माध्यम से वहाँ पर मार्क किया जाता है और उसके बाद जो स्याही टोनर होता है वो चार्ज होता है, स्याही टोनर वहाँ पर जा करके फिट होता है और वहाँ पर फिर प्रिंट होता जाता है, ठीक है। तो ये लेजर प्रिंटर में टाइप से वो होता है, इसका फिलहाल कभी अगर मौका मिला तो प्रिंटर का मैं पूरा का पूरा वीडियो बना करके YouTube में डाल दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इमेज के माध्यम समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो 69 देखें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, ठीक है, कौन से प्रकार का प्रिंटर है। मैं भी जस्ट आपको बताया था कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील दो प्रकार का प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, ठीक है, डेजी व्हील ऐसे टाइप का, ठीक है, डेजी व्हील ये प्रिंटर और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये दो प्रिंटर होते हैं जो कि इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। 69 देखिए, लेजर प्रिंटर संबंधित है, किससे संबंधित है, कैरेक्टर प्रिंटर से कि पेज प्रिंटर से कि लाइन प्रिंटर से कि प्लॉटर से। तो जो लेजर प्रिंटर होता है वो पेज प्रिंटर से संबंधित है, ठीक है, लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। आप लोग जो फोटो कॉपी दुकान में फोटो कॉपी कराने जाते हैं ना, बड़ा सा व्हाइट कलर का एक मशीन रहता है जिसमें बहुत तेज मतलब स्पीड में वहाँ पर फोटो कॉपी होता है या फिर वहाँ पर प्रिंट निकलते रहता है, उसी को लेजर प्रिंटर कहते हैं। तो जो लेजर प्रिंटर होता है इसी को पेज प्रिंटर भी कहते हैं ना, ध्यान में रखेंगे। इसमें जो स्याही टोनर होता है ना, जिसमें चार्ज जो स्याही का जो पाउडर होता है उसको इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है, आगे हम लोग इसके एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। तो लेजर प्रिंटर में जो स्याही होता है वो पाउडर के फॉर्म में यहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है, इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अभी जस्ट देखें शायद वो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, ऐसा टाइप का है, ऊपर नीचे हो गया है। तो इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहलाता है, और डेजी व्हील प्रिंटर भी हम लोग जानते हैं वो भी एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दोनों क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का प्रयोग होता है। तो
देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन में, इंक इंक है, पाउडर है, गर्मी है, एक गर्मी तो कोई काम का नहीं, ठीक है, थर्मल प्रिंटर में गर्मी का प्रयोग होता है ऐसा पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम कह सकते थे, बाकी गर्मी नहीं है, पाउडर भी नहीं है, इंक भी नहीं है, यहाँ पर रिबन का प्रयोग होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैंने बताया ना, फिर डॉट मैट्रिक्स एक रिबन होता है, स्याही से लथपथ होता है ऐसा टाइप का, तो इसका सही आंसर क्या है, डी है। 73 देखें, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का, ठीक है, पाउडर का प्रयोग होता है, ठीक है, सूखी स्याही का प्रयोग होता है ये पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है कि लाइन प्रिंटर है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या फिर थर्मल प्रिंटर है, तो इसका सही आंसर क्या है, लेज़र प्रिंटर है। अभी जस्ट हमें बताया ना कि जो अपन फोटोकॉपी दुकान में जाते हैं तो बहुत एक बड़ा सा प्रिंटर होता है जो बहुत तीव्र गति से प्रिंट करते रहता है ना, जिसमें सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है वो, उस पाउडर का प्रयोग इसमें किया जाता है, किसमें, लेज़र प्रिंटर में। 74 देखिए, निम्न में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है, इंक जेट है कि थर्मल प्रिंटर है कि लेज़र है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो ये हार्ड एंड प्रिंटर कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर होता है, ठीक है, लेज़र प्रिंटर को ही क्या कहते हैं, हार्ड एंड प्रिंटर कहा जाता है। लेज़र प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करता है, लेज़र प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करता है ये पूछा जा रहा है, आयनाइज्ड इंक का प्रयोग करता है या इंक कार्टिज का प्रयोग करता है या पेंट का प्रयोग करता है या फिर टोनर कार्टिज का प्रयोग करता है, लेज़र प्रिंटर किसका प्रयोग करता है, लेज़र प्रिंटर टोनर कार्टिज का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर फिलहाल ये आयनाइज्ड इंक नहीं देना चाहिए था, ठीक है, आयनाइज्ड इंक यहाँ पर ये नहीं देना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर फिर ऐसे में गड़बड़ होगा, जो इंक होता है वो भी क्या होता है, वो आयन के रूप में होता है, तो फिलहाल ये ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। इसका सही आंसर तो यहाँ पर टोनर कार्टिज है, जो पाउडर का फॉर्म, पाउडर जो होता है ना उसी को यहाँ पर कार्टिज बोला जा रहा है, ठीक है, तो टोनर कार्टिज का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किसमें, लेज़र प्रिंटर में। 74 फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन सही लिया गया है, व्यापम का एक क्वेश्चन है और आंसर क्या लिया गया है, डी इसका सही लिया गया है, इस आधार पर आपको डी को ही लेकर के चलना है। 76 देखिए, लेज़र प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं ये पूछा जा रहा है, समप्रतीक प्रिंटर है कि शब्द प्रिंटर है कि लाइन प्रिंटर है कि पेज प्रिंटर है, इसका सही आंसर क्या है, पेज प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, पेज प्रिंटर के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है, लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, पूरे के पूरे एक पेज को इस प्रकार से प्रिंट करके निकाल देता है वो। बड़े लेज़र प्रिंटर का प्रयोग, सॉरी, बड़े लेज़र प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति होता है, कितना होता है, 150 पेज होता है, ठीक है, 150 पेज प्रति मिनट वो क्या करता है, प्रिंट करता है। दुकान में जाएंगे तो धर निकलता रहता है ना, प्रिंटिंग मतलब प्रिंट होते रहता है, वही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है, बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तीव्र गति वाला प्रिंटर है, जेट प्रिंटर बोला जा रहा है और क्या है, लेज़र प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, मर्मल नहीं है, थर्मल होना चाहिए इसे, थर्मल प्रिंटर, तो इसका सही आंसर क्या है, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। लेज़र प्रिंटर की जो गति होती है, हम लोग यहाँ पर पिछले देखें 150 पेज प्रति मिनट देखें ना, तो सर्वाधिक तीव्र गति वाला प्रिंटर अगर पूछा जाएगा तो क्या है, इन सब में लेज़र प्रिंटर सबसे तीव्र गति वाला प्रिंटर है। 79 देखिए, डॉट मैट्रिक्स मुद्रण या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार वर्ष खाली स्थान में किया गया था, किसमें किया गया था, 1923, 1924, 1922, 1925, इसका सही आंसर क्या है, 1925 में इसका आविष्कार किया गया था। 80 देखिए, शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में कितने पिन होते थे ये पूछा जा रहा है, तो शुरुआती जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता था ना उसमें कितने हेड होते थे, तो ऑप्शन में क्या है, 24 है, 9 है, 10 है, 16 है, तो इसका सही आंसर क्या है, 9 है, ठीक है। शुरुआत में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम लोग देखते थे उसमें जो हेड होते थे उसमें सिर्फ 9 वहाँ पर पिन लगे होते थे, ठीक है, हेड में सिर्फ कितने पिन होते थे, 9 पिन होते थे, लेकिन अब वर्तमान में अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर पिनों का विकास इस प्रकार से दिया हुआ है, पहले 7, फिर 9, फिर 18, एग्जाम में जो पूछा गया था उसमें 9 को आंसर लेकर के चल रहा है, मतलब कि हमको यहाँ पर 9 को लेकर के चलना है, शुरुआत में कितना प्रयोग होता था, 9, अभी वर्तमान में देखेंगे तो 24, ठीक है, वर्तमान में 24 होता है, 24 जो पिन होते हैं उसका प्रयोग होता है, ठीक है। 81 देखिए, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स का उत्पादन क्या होता है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स का उत्पादन किसके माध्यम से होता है, लेज़र प्रिंटर के माध्यम से कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से कि इंकजेट या फिर प्लॉटर, तो प्लॉटर के माध्यम से होता है। प्लॉटर क्या है,
प्लॉटर हम लोग देखते हैं जो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं ना, है ना, जितने भी मंत्री वंत्री का फोटो वोटो, बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर वगैरह लगा होता है, कोचिंग वोचिंग का बैनर लगा होता है, तो वो जो भी प्रिंट होता है, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर जो प्रिंट किया जाता है, वो प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। पानी बरसात सबसे वहाँ पर बचा हुआ रहता है, तो अच्छी क्वालिटी का प्रिंट यहाँ पर किसके माध्यम से किया जाता है, और बहुत बड़ा मतलब अच्छी ग्राफिक्स वाला और बहुत बड़े साइज में, अच्छी गुणवत्ता वाला भी कह सकते हैं, तो ये किसके माध्यम से होता है, प्लॉटर के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 82। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता, ठीक है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता, कौन कौन से, डेजीविल है, पेज प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, इसका सही आंसर क्या है, डेजीविल प्रिंटर है। हम लोग जानते हैं इंपैक्ट प्रिंटर है डेजीविल प्रिंटर, ये ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है ना, तो इसका आंसर क्या है, ए सही है। 83 देखें, गोल्फ बॉल प्रिंटर, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्फ बॉल प्रिंटर है क्या है, देखो ये गोल्फ बॉल प्रिंटर इसी कहते हैं ना, डेजीविल जो प्रिंटर, तो डेजीविल प्रिंटर हम लोग देखते हैं ना, इसी को गोल्फ बॉल प्रिंटर कहते हैं, इस टाइप से ऐसा रहेगा, और इसमें ये हेड लगे हुए हैं ऐसे टाइप से, और ये इस टाइप से वहाँ पर वो प्रिंट करता है, डेजीविल प्रिंटर है क्या, क्या गोल्फ बॉल प्रिंटर। 84 देखिए, वह सबसे शुरुआती तकनीक क्या थी जिस पर मॉनिटर आधारित था, ठीक है, मॉनिटर आधारित था, शुरुआती तकनीक क्या थी, एलईडी तकनीक थी या फिर एलसीडी थी कि प्लाज्मा थी कि सीआरटी थी, तो इसका सही आंसर क्या है, सीआरटी तकनीक थी। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं इसको, कैथोड रे ट्यूब तकनीक के माध्यम से क्या करते थे, पहले जो टीवी होता था ना, जो टेलीविज़न होते थे, जो मॉनिटर होता था, कंप्यूटर मॉनिटर बोला या फिर टीवी का जो भी मॉनिटर बोला, तो उसमें क्या करते थे, पहले इस टाइप के आप लोग देखे होंगे, ये जो सीआरटी तकनीक के माध्यम से, मतलब कि कैथोड रे ट्यूब, यही है कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये ट्यूब जैसा, वही क्या चीज़ है, कैथोड रे ट्यूब है, तो इसका प्रयोग करता था शुरुआती तकनीक में। 85 देखिए, डीपीआई क्या चीज़ है, डीपीआई दर्शाता है, किसको दर्शाता है, डॉट पर इंच को दर्शाता है कि डिजिट पर यूनिट को दर्शाता है कि डॉट्स पिक्सल इंच दिखाता है या फिर डायग्राफ, तो ये सब तो कोई काम का नहीं है, हमारा आंसर क्या है, डॉट पर इंच है, एक इंच, ठीक है, एक इंच मतलब कि एक इंच लंबा और एक इंच चौड़ा, एक वर्ग इंच आप ऐसा कह सकते हैं, तो इसमें है ना, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें जितने भी डॉट होते हैं इस टाइप से, जितने भी डॉट इस टाइप से होते हैं, उन डॉट की संख्या को यहाँ पर हम डीपीआई कहेंगे, ठीक है, डीपीआई पूछा जाएगा ना, डीपीआई क्या चीज़ है, तो क्या होता है, डॉट पर इंच होता है, मतलब कि एक इंच में जितने डॉट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डीपीआई कहते हैं, डीपीआई की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। यहाँ पर देखेंगे 36 डीपीआई है मात्र, है ना, 36 डीपीआई, यहाँ पर 72 डीपीआई हो गया है, यहाँ पर 300 डीपीआई हो गया है, तो ऐसे एक इंच में जितने भी वहाँ पर डॉट की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डीपीआई कहते हैं, डॉट पर इंच बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रिंटर में प्रयोग करते हैं ना, प्रिंटर में क्या करते हैं, डॉट 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 इस प्रकार से वहाँ पर जो स्याही का छिड़काव करके वहाँ पर जो प्रिंट होता है उसको क्या बोला जाता है, डॉट पर इंच कहते हैं, कितने इंच में, मतलब एक इंच में कितने डॉट हैं उसकी संख्या। 86 देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, एक लाइन में बिंदुओं की संख्या, अभी जो हम लोग देखे हैं ना वही चीज़ है यहाँ पर, एक वर्ग इंच में, देखो एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या क्या कहते हैं, डीपीआई कहते हैं, ठीक है, डॉट पर इंच बोलते हैं हम लोग, ठीक है, डॉट्स पर इंच ऐसा बोलेंगे, है ना, तो जो एक वर्ग इंच में जितने बिंदुओं की संख्या होती है हम क्या कहते हैं, उसको डीपीआई कहते हैं, ठीक है, डॉट पर इंच, इससे प्रिंटर की गुणवत्ता इससे मापी जाती है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा प्रिंटर रहेगा, मतलब कि उतना अच्छी क्वालिटी का प्रिंट वहाँ पर होगा। 87 देखिए, निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेख उपकरण नहीं है, बिंदु और अनुरेख उपकरण, इसका अर्थ आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो अपन क्या देख रहे थे, पॉइंटिंग डिवाइस देख रहे थे ना, पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग डिवाइस इसको आप कह सकते हैं, बिंदु और अनुरेख उपकरण किसको कह सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस को कह सकते हैं। तो जो ट्रैक बॉल होता है वो भी क्या होता है ना, इसका आंसर ट्रैक बॉल नहीं है ना, ध्यान रखेंगे, ट्रैक बॉल होता है वो भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन होता है वो भी एक प्रकार का है पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस होता है वो भी एक प्रकार का है पॉइंटिंग डिवाइस है, यहाँ पर कीपैड जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, मतलब कि एक प्रकार का बिंदु और अनुरेख उपकरण नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिंदु और अनुरेख उपकरण नहीं है। 88 देखिए, लाइट पेन क्या है, लाइट पेन क्या है ये पूछा जा रहा है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है कि ऑप्टिकल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना,
पीछे भी इस क्वेश्चन को देखे थे, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। लाइट पेन एक प्रकार क्या होता है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? है। डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस है या नहीं है? है। प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर, है ना। इमेज स्कैनर भी क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। ये सभी इनपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर को छोड़कर। प्रोजेक्टर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। 90 देखिए, निम्नलिखित में से किसे ट्रैक बॉल या फिर ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है, ठीक है। टैबलेट है ना, ध्यान में रखेंगे, पढ़ने में गलती हो जा रही थी। ये क्या है? टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन में क्या क्या है? माउस है, डिजिटाइजर है, ट्रैक बॉल है कि OMR है। इसका सही आंसर क्या है? डिजिटाइजर। ये जो होता है ना पेन टैबलेट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखोगे ये, ठीक है। तो पेन में मैं जो भी लिख रहा हूँ ना, स्क्रीन में सब लिखाता जा रहा है, तो इसी को डिजिटाइजर कहते हैं, ठीक है। ये जो टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट जो होता है ना, इसे क्या कहते हैं? डिजिटाइजर कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? डिजिटाइजर बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर लिख रहे हैं और स्क्रीन में लिखाते जा रहा है। यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, ऐसे टाइप का है, ठीक है, डिजिटाइजर होगा इसका सही आंसर। 91 देखिए, कर्सर पॉइंट के बाईं ओर दिखाई देने वाली सम प्रतीक, मतलब कि जो कैरेक्टर को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। मतलब किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका प्रयोग किया जाता है बैक स्पेस का, ठीक है। देखो अगर इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है ना, इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पर ये बैक स्पेस, यही जो भी शब्द यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका जो बाईं ओर होता है, ठीक है, बाईं ओर मतलब कि इसका, मतलब इधर बाईं ओर, ठीक है, कर्सर के बाईं ओर, ये कर्सर ये है, तो कर्सर के बाईं ओर मतलब इधर जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में एक बैक स्पेस का एक बटन होता है, उसको दबाते जाएंगे तो इधर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर है, इधर जो लिखा हुआ है वो धीरे धीरे कटते जाएगा, डिलीट होते जाएगा। तो कर्सर के बाईं ओर अगर कोई लिखा हुआ है, उसको अगर हटाना है, उसको डिलीट करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस दबाते जाएंगे, वहाँ पर बैक होते जाएगा वो। 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये पूछा जा रहा है। फ्लैट हेड बोल रहा है और हैंड लेड बोल रहा है और फ्लैट बेड बोल रहा है और कॉम्पैक्ट बोल रहा है। तो ये आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, हम लोग देखते हैं एक फ्लैट बेड नाम का एक प्रिंटर होता है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जहाँ तक ये आता है, मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। फ्लैट बेड जो प्रिंटर होता है, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, क्या? फ्लैट बेड प्रिंटर। अब बाकी ये सब का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये सब कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। एग्जाम में पूछा गया था ऐसे टाइप का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है, ये पूछा जा रहा है। प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? तो थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, ये तो सब, ये मॉनिटर हो गया। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? मॉनिटर होता है। और ये भी कोई काम का नहीं है सर, डायोड वायड कोई काम का नहीं है। सही आंसर क्या है? फ्लैट बेड जो प्रिंटर होता है, थर्मल फ्लैट बेड, ठीक है, थर्मल फ्लैट बेड या फिर फ्लैट बेड प्रिंटर, ये एक प्रकार का प्रिंटर का प्रकार है। 94 देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है खाली स्थान में क्या है, मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? यूनिडायरेक्शनल बोल रहा है, बाईडायरेक्शनल बोल रहा है या फिर सिक्वेंशियल बोल रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सिक्वेंशियल है, ठीक है, रैंडम तो नहीं है, ये सब भी नहीं है, सिक्वेंशियल होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है सर? सिक्वेंशियल होता है, वो सिक्वेंस में प्रिंट करता है, मतलब एक एक करके इस प्रकार से प्रिंट करता है, तो सिक्वेंशियल बोलते हैं उसको। चलिए, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे? 94 क्वेश्चन ये थे, ठीक है। तो इसके बाद और कंप्यूटर का क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, अभी बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।